اكثر زمين شعبا. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm Mana from Morocco and you're watching Moroccanstani Reactions. In today's video, I'll react to Dinner with Film and Dramas Actors Waseem Badami, Moulana Tariq Jameel. So let's start the video. Ya bana Adam, ay Adam ki aulad, sunna Allah kya keh raha hai. Iman walo, nahi. Raaton ko uthne walo, rone wale, पर्दादार औरतें, हलाल कमाने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, हज करने वाले, उम्रे करने वाले, यबना आदम, ए आदम की औलाद, इन सब से अल्लाह बात कर रहा है, ये नमाजियों से नहीं, यबना आदम, ए आदम की औलाद, इन्नी लकुम मुहिब मैं तुमसे प्यार करता हूं. नाफरमान औलाद को तो मां बाप भी घर से निकाल देते. और हमारे अखबारों में पाकिस्तान वो एड आया होता है कि हमने अपने बच्चे को अपनी जायदाद से फारिग कर लिया है नाफरमानी की बिना पर. रोज अखबारों में एड होती. जिसके हम बंदे, जिसने पैदा किया उसी से बगावत है. और इस सारी बगावत को देखकर वो कह रहे इन्नी लकम मुहिब मैं तुमसे प्यार करता हूं. इन्नी लकम मुहिब मैं तुमसे प्यार करता हूं. सबसे मजबूत अमल कौन सा है? आप सुने इस्लाम का सबसे मजबूत अमल कौन सा है? तो अल्लाह के नबी ने तो सहाबा ने अर्ज किया जी नमाज. तो हमने कहा नहीं, नमाज एक अच्छा अमल है, वो नहीं जो मैंने पूछा. सहाबा ने कहा जी जिहाद. उन्होंने कहा रोजा. आप बताएं हमें तो यही पता है. आपने कहा इस्लाम का सबसे मजबूत अमल आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना. तो ये पैगाम लोगों को तो मसलन मेरा और बादामी में अख्तलाफ होगा तो उसका मतलब हम नफरत करते मोहब्बत तो बाकी रखे हैं. मेरी तरजीहत और हैं वसीम की और हैं नदीम की और हैं अरसलान की और हैं सियासी मजहबी दुनियावी. तो उन तरजीहात के में अगर फ़र्क है तो उसकी वजह से नफरत तो नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत तो होनी चाहिए. सही. तो बस ये पैगाम है मोहब्बत का. ये अमल सबसे ज़्यादा महंगा है. सबसे मजबूत अमल रब्बे का अल्लाह के लिए मोहब्बत करो. जन्नत में एक दूसरे के पास जाने के लिए इजाजत चाहिए. मैं किसी के घर जाता हूँ तो बाहर बेल देता हूँ, चाहे तो दरवाजा खोल. तो जन्नत में किसी के पास भी जाने के लिए उससे इजाजत लेनी. लेकिन जो लोग दुनिया में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते रहे को पूरी जन्नत बिला इजाजत फ्री. क्या मर्जी चले जाओ, नबियों की जन्नत में चले जाओ, खातमुन्नबीन की जन्नत में चले जाओ, मौला अली की जन्नत में चले जाओ, किसी की जन्नत. अल्लाह के लिए मोहब्बत से क्या मुराद है? अल्लाह के लिए मोहब्बत मुराद है कि कोई गरज ना हो. अच्छा. किसी गरज की वजह से मोच मोच ना कर रहा मुझे बादामी के प्रोग्राम में जगह मिल जाए. अब समझ में आ गया. खालिसतन अल्लाह के लिए. खालिसतन कि बस अल्लाह का बंदा है. बस अल्लाह का बंदा. जब मैं अल्लाह के नबी पर कुर्बान जाऊँ, आपने पहले भी आपको सुनाई है, आपने फरमाया मेरे बेटे अनस मेरी एक सबसे बड़ी सुन्नत, सबसे अजीम सुन्नत,
और वो ये है कि पूरी दुनिया के इंसानों से दिल साफ कर, मुसलमान नहीं कर, पूरी दुनिया के इंसानों से, इंसानों से दिल साफ, अपने रहमतुल आलमीन होने का सबूत दिया, रहमतुल मुसलमीन तो अल्लाह ने कहा ही नहीं, चंद दिन जिंदगी के हैं मर जाना, मोहब्बत बांटते हुए मर जाना, अल्लाह की कसम उठा के लेता हूँ, बड़े बड़े वली आपके कदमों तक नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह क्या कि डिमांड एंड सप्लाई के कानून में जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो रेट अप हो जाता है। सही। सात अरब इंसानों की ज़रूरियात मुख्तलिफ और शौक मुख्तलिफ, ठीक है, सात अरब इंसानों में से हर आदमी की ज़रूरत है कि मुझे मोहब्बत मिले, प्यार, सब डिमांड इतनी है और सप्लाई नहीं है। तो नमाजों वाले तो बहुत होंगे क्या मुख्तलिफ, रोजे वाले भी बहुत होंगे, वाह वाह, जिक्र तिलावत तस्बीह वाले भी बहुत होंगे, वाह वाह, लेकिन मोहब्बत करने वाले ऐसे ही ढूंढने से मिलेंगे। तो जैसे दुनिया के बाजार में जब सप्लाई कम पड़ जाए तो प्राइसेस अप है, आखरत के बाजार में इनकी कीमत सबसे ज्यादा होगी, क्या मोहब्बत बांटते हैं। मैं अभी आ रहा था जहाज में तो वजीर अली उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो मेरे पास आया, कहा सर मैं आपको रोजाना सुनता हूँ, आप किसी फिरके के नहीं, आप मुसलमान फिरके के, आप मुसलमान हैं, क्या आपने हमें खुश कर दिया कि आप बस मुसलमान हैं, आप इस्लाम का तारुफ कर। मैं जा रहा था वहाँ, छह मस्जिदें हैं, एक मस्जिद भी मुसलमानों की नहीं। किसी पे बरेलवी लिखा हुआ, किसी पे देवबंदी लिखा हुआ है, किसी पे अंबारगा लिखा हुआ है, किसी पे अहले हदीस लिखा हुआ है, अल्लाह की एक भी नहीं। मैंने कहा यार मेरे भाई तूने तो खुश कर दिया, फिर मैं मुझे सलाम का नुमाइंदा हूँ तो अल्लाह का शुक्र है अगर किसी की जुबान पे अल्लाह ये चला देता। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बयान दिया है मौलाना तारिक जमील ने, मोहब्बत, मोहब्बत का पैगाम फैलाना और मोहब्बत करना, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना, ये सबसे मजबूत अमल है और सबसे महमूद अमल है अल्लाह की नज़रों में। और यही वजह है कि बहुत से लोग मौलाना तारिक जमील को पसंद करते हैं, इवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग मी। मुझे मौलाना तारिक जमील सबसे अच्छे लगते हैं, जितने भी पाकिस्तान के उलमा में वीडियोस देखती हूँ उनमें से तारिक जमील मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं, क्योंकि एक उनके बात करने में मोहब्बत फील होती है, मोहब्बत का पैगाम उनके हर बयान में होती है। कुछ उलमा अल्लाह उनको हिदायत दे तो वो ऐसे एक्टर्स या वाकई लोग जो उनके नज़र में गुनहगार होते हैं उनको तकफीर करना शुरू करते हैं कि काफिर हैं और ये है वो है। अल्लाह के नज़र में कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आप अल्लाह को ही डिसाइड करने दें। और जो पैगाम मोहब्बत की ज़बान में समझाया जा सकता है वो सख्ती और नफ़रत के लहजे से समझाया नहीं जा सकता है। इस्लाम का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, सारी इंसानियत के लिए मोहब्बत का पैगाम है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं सारी इंसानियत के लिए मोहब्बत का पैगाम है। मज़हब में इख्तलाफ हो सकता है, सोच में इख्तलाफ हो सकता है, नज़रिया में इख्तलाफ हो सकता है, हर किसी की एक अपनी सोच है, तो इंसानों में इख्तलाफ तो होगा लेकिन इख्तलाफ की वजह से नफ़रत नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह की नज़र में सबसे मजबूत काम अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना। बहुत खूबसूरत बयान है मौलाना तारिक जमील का, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए और इसी तरह मोहब्बत का पैगाम फैलाते रहें। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।